समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी आप कहिए क्या कह रहे हैं। अभिषेक जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 मेरी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल अब आ रही है जी। जी कुछ उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जो इनके स्टार प्रचारक थे माननीय योगी जी वो उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चुनाव तक वो ऐसे ही आते रहेंगे उत्तर प्रदेश में। आप देख ले माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे, उद्घाटन, शिलान्यास, जिस राज्य में चुनाव होता है, अभी बंगाल में हो रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस वहां था, फिर उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो अब उत्तर प्रदेश पंजाब यहाँ फोकस रहेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हो सकता है हर हफ्ते आते रहे, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी रोज एक घोषणा करते रहेंगे और कुछ ना कुछ उद्घाटन करते रहेंगे, भले वो आधे अधूरे काम। तो अभिषेक राय जी इसमें बुराई क्या है? अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो फिर अखिलेश यादव के अलावा कौन सा चेहरा आपके पास है सर? वो तो हर पार्टी अपने अपने बड़े चेहरे को उतारती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मुद्दे की बात करें जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, हम उसी बात पे आ रहे हैं। हम कह तो रहे हैं सबसे पहले गोरखपुर की जनता को बधाई कि उनको नया एम्स मिलने जा रहा है, जैसे इन लोगों ने 108 एम्बुलेंस जो समाजवादी एम्बुलेंस थी जिसने कोरोना काल में गरीब मरीजों की और सारे मरीजों की मदद करी, तो उसी तरीके से इन्हें मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आज गोरखपुर पे एक सौगात मिलने जा रही है, पर संसद में इनके स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से लिखित में झूठा बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के सेकेंड वेव में किसी की मृत्यु नहीं, कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए।